सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह जी, आवाज़ आ रही है ना? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। तो हम लोग जारी रखते हैं और सेंटेंस नंबर 2 कर रहे थे, और इसमें आपने देखा फी हाजल बैती गुरफतानी कबीरतानी। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया था जिसमें फी हाजा खबर है और गुरफतानी मुब्तदा है। ठीक है ना, इंडिया पाकिस्तान के हिसाब से, मदारिस के हिसाब से नात को भी खबर में ले लेते, ठीक है ना? तो मिल करके मुब्तदा, नात भी मुब्तदा में आ जाता है, मुब्तदा बन जाता है। भी और ये खबर में भी फी हादल बैती बोलेंगे, बोलेंगे ये पूरा खबर है, हादल हाँ, और ये बैती, इसमें और खबर इसको आ पूरी जाता है, मुब्तदा बोलेंगे, गुरफतानी यानी कबीरतानी। टोटल खबर बन जाता है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के जो मदारिस के हिसाब से कोई बड़ा बड़ा कोई इख्तलाफ नहीं है, ठीक है ना? अरब वाले उलमा के हिसाब से जो है ये सिर्फ जो गुरफतानी ये मुब्तदा है और फी हाजा ये सिर्फ खबर है। ठीक है, और उसके बाद में हम आगे देखते हैं सेंटेंस। फातिमतु फातिमतु फातिमत फातिमतुन नहीं है, हाँ, क्योंकि अरबी औरतों के नाम जो है वो तनवीन नहीं लेते हैं। ठीक है, डज नॉट एक्सेप्ट तनवीन। फातिमतु फातिमतु, ठीक है, लहा तिफलानी सगीरानी। तिफलानी माने बच्चा, बॉय यानी कि छोटा बच्चा। ठीक है, तिफल माने बच्चा को कहते हैं। ठीक है, तिफ बच्चा, लहा तिफलानी सगी फातिमतु। ठीक है, लहा तिफलानी सगीरानी, क्या ट्रांसलेशन करेंगे इसका? फातिमतु लहा तिफलानी सगीरानी। फातिमा हैज टू स्मॉल चिल्ड्रन। बहुत अच्छा, फातिमा हैज टू स्मॉल चिल्ड्रेन। ठीक है, बहुत अच्छा, बारकल्लाह फीक। तो फातिमतु फातिमा फातिमा के दो छोटे बच्चे हैं, फातिमा के दो छोटे बच्चे हैं। आपने देख लिया एक चीज यहाँ पे, हमने किया कि इसको सेपरेट कर दिया हमने, ये जो है लहा तिफलानी। क्यों सेपरेट किया, क्या बताया, क्या वजह सेपरेट करने का? लहा तिफलानी सगीरानी क्या इंडिकेट कर रहा है ये? इटसेल्फ एक सेंटेंस है, अभी जैसे हम लोग पढ़े थे खालिदुन लहू बिनता इबनानी व बिनतानी, बहुत उसी अच्छा, तरह सेम है, सेम सेंटेंस है, हाँ बस इसमें मुअन्नस आ रहा है। सही सही। तो ये खुद अपने में एक सेंटेंस है, ठीक है ना? और ये सेंटेंस पूरा का पूरा क्या है, खबर है, ये पूरा का पूरा खबर। अच्छा, खबर किसका है? मुब्तदा कहाँ है? मुब्तदा फातिमा, इसका खबर है। ठीक है, ये तो खबर जो है, इस पूरा सेंटेंस भी खबर बनकर के आ सकता है। ठीक है ना, इंशाल्लाह ये सब डिस्कशन आगे आएगा। ठीक है, पूरा सेंटेंस जो है हम लोग खबर को एनालाइज करेंगे, सब तरह का खबर को, जब ये बुक खत्म होगा इंशाल्लाह, जो कि तकरीबन 1.5 महीना में ये बुक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, या 1 महीना में इंशाल्लाह। फातिमतु लहा किफलानी सगीरानी, तो ये मुब्तदा है फातिमतु, और इसका खबर क्या है? लहा तिफलानी सगीरानी। ठीक है, और लहा तिफलानी रेड बॉक्स, रेड बॉक्स जो ये खुद सेंटेंस है। अच्छा, जब ये सेंटेंस है तो इस सेंटेंस का भी कुछ मुब्तदा खबर होना चाहिए। हाँ है, इसके अंदर जो लहा है ये क्या है? खबर है। ठीक है, और इसके अंदर जो तिफलानी है ये मुब्तदा है। ठीक है, ये लहा तिफलानी सगीरानी। ठीक है, लहा तिफलानी सर, तो देख रहे हैं खबर, खबर के अंदर मुब्तदा और खबर। ठीक है ना, खबर के अंदर मुब्तदा और खबर। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। आप लोग सिंपल क्या कीजिए, सिंपल समझिए क्या, कि फातिमा के हैं दो छोटे बच्चे। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स में भी जाने की जरूरत नहीं, ये पूरा का पूरा लेकिन क्या खबर है, किसका खबर है? फातिमा का खबर है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके बाद में ली, अच्छा ये सेंटेंस जो है ली आई, इसको पढ़े आप में से कोई पढ़िए ये पूरा सेंटेंस ली। अनानी उदनानी वदी वयो वयदानी वर जाना। रिजलाना रजलाना रिजलानी, ठीक है, ट्रांसलेशन रजलाना ट्रांसलेशन करना है इसका। आई हैव टू आईज 2 इयर्स, टू इयर्स टू हैंड्स
and two legs, two feet, two feet. हाँ ठीक है, two legs, ठीक, two legs, रिजलानी, रिजलुन होता है क्या, legs, leg, ठीक है, रिजलुन एक रिजल, रिजलुन यानी कि leg, ठीक, कदम को feet कहेंगे, कदम, ठीक है, रिजलुन leg हो गया, और रिजलुन, ये देखिए अगर रिजलुन, अगर ये इसको पढ़ते हैं कैसे, अगर ऐसे पढ़ते हैं रजुलुन तो हो जाता है मैन, ठीक है ना, लेकिन इसको अगर रिजलुन सुकून करके पढ़ रहे हैं जिम को, तो कसरा रापे तो रिजलुन, ठीक है, तो सिमिलर हर्फ, बस वावल का हरकत का फर्क है, रिजलुन माने लेग, रिजलानी दो लेग, टू लेग, तो यहाँ पे क्या होगा, ली ली आइनानी व उजुनानी, ली आइनानी दो आंखें मेरी है, दो आंखें, उजुनानी, उजुनानी व यदानी व रिजलानी, ठीक है ना, तो आई हैव टू आईज, ठीक है, टू ईयर्स, टू ईयर्स, टू हैंड्स एंड टू लेग्स, इस तरीके से, तो ओ, ये है। अब मुब्तदा खबर कहाँ है इसमें, ये देखना है मुब्तदा खबर कहाँ है इसमें, मुब्तदा और खबर तो मुकद्दम हो गया, ली हो गया, हाँ ये खबर मुकद्दम, मुब्तदा वो मातूब बन के आ रहा है, सब मातूब में आएगा, तो खबर जो है इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाला जो वर्ड आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, ये मुब्तदा हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है, और रेड में जो है ये ली कैसा खबर है, जार मजरूर, जार मजरूर खबर है ली, और आइनानी ये मुब्तदा है, आई हैव टू आईज, लेकिन आंखों के साथ साथ क्या क्या है, उजुनानी व यदानी व रिजलानी, तो ये सब के बारे में हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या, ये फिर ये सब क्या क्या, ये मुब्तदा नहीं है, तो मुब्तदा के साथ तो जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक्चुअल मुब्तदा आइनानी है, लेकिन ये सब के बारे में क्या कहेंगे, उजुनानी यदानी रिजलानी, ये सब वाव ना जोड़ रहा है सबको, व व व, उजुनानी जुड़ा हुआ किससे, आइनानी से, सेम यदानी भी आइनानी से जुड़ा हुआ है, सेम रिजलानी भी आइनानी से जुड़ा हुआ है, ये कनेक्टेड लिंक्ड है, कंजंक्शन वाव आ रहा है, वाव क्या कर रहा है, सबको जोड़ दे रहा है, वाव सबको जोड़ रहा है मुब्तदा के साथ में, ठीक है, इस तरह के अल्फाज जो ग्रीन बॉक्स में देख रहे हैं ना आप, वो मातूफ कहलाता है, क्या कहलाता है, मातूफ, क्या कहलाता है, मातूफ, ये वाव है, मातूफ कहलाता है, मातूफ माने कनेक्टेड लिंक्ड, ठीक है, कनेक्टेड टू क्या, मुब्तदा आइनानी, मातूफुन अला आइनानी, मातूफ कनेक्टेड टू आइनानी मुब्तदा, ठीक है, वाव सबको जोड़ रहा है, ठीक है, आपने किस और देखा होगा इसमें एक तो ये एक्चुअल मुब्तदा क्या, फर्स्ट वाला आइनानी, अच्छा आप देख रहे हैं वाव 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 बार बार रिपीट हो रहा है, हो रहा है ना रिपीट, ली आइनानी व उजुनानी व यदानी व रिजलानी, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, कॉमा यूज करते हैं, टू आईज कॉमा फिर कॉमा फिर कॉमा, टू ईयर्स टू हैंड्स एंड टू लेग्स, लास्ट में एंड लाते हैं इंग्लिश में, उर्दू में वैसे करते हैं ना, मेरे दो, मेरी दो आंखें, और तो नहीं कहते बार बार, ठीक है, मेरी पास, मेरे पास दो किताब, दो कल, तीन कलम और चार ये, और चार और एंड लास्ट में लाते हैं, लेकिन अरबी में आप देख रहे हैं जो है कॉम सब में वाव 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 आ रहा है, ठीक है, सब में वाव लाना पड़ता है अरबी में, जब आप अरबी में लिख रहे हैं तो, ठीक है ना, ली आइनानी उजुनानी यदानी रिजलानी नहीं, सब वाव के साथ आना चाहिए अरबी में, ठीक है, ये फर्क आपको दिख रहा है जब कंपेयर करते हैं इंग्लिश से और उर्दू से, ठीक है, इस तरीके से, और एक इम्पोर्टेंट चीज है, सबका इराब बराबर होगा, वाव वाव के पहले या बाद में जो भी आएगा सबका इराब एक जैसा होगा, हाँ सही कहा आपने बारकुल्लाह फी, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मुब्तदा जो है क्या है, यहाँ पे मुब्तदा जो असल मुब्तदा क्या है, आइनानी मुब्तदा है ना, आइनानी मुब्तदा है, तो आइनानी जो है ये मरफू है, आइनानी क्या है, मरफू है ना, तो मरफू की निशानी क्या है, कौन बताएगा, यहाँ पे अलिफ, अलिफ इज द साइन ऑफ मरफू, ठीक है, और वाव जो है ये क्या कर रहा है, सॉरी वाव कनेक्ट कर रहा है, उजुनानी कनेक्टेड है आइनानी के साथ में, तो ये भी मरफू होगा, वाव जोड़ रहा है ना, ठीक है, तो उजुनानी भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा किससे, आइनानी से, यदानी भी कनेक्टेड होगा, रिजलानी भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा, ठीक है ना, इससे ये सब जो है वो आनी आनी लेगा, ठीक है ना, और आनी आनी तो होना ही, क्योंकि टू ईयर, टू ईयर्स ही तो होता है, टू हैंड्स ही तो होता है, ऐसे भी, ठीक है ना, यानी कि सब मरफू होगा, आइनानी उजुनानी यदानी रिजलानी सब मरफू होगा। अब सवाल एक आ सकता है जहन में अब लोगों जिसको पता नहीं है, आइनानी के बारे में हम लोग क्या कह रहे हैं, आइनानी जो है ये क्या है, ये मरफू है,
अलिफ इज द साइन ऑफ मरफू. सेम हम लोग क्या कल किए थे, क्या किताबुन, ये क्या है, ये तो सिंगुलर है, इसका ड्यूअल क्या है, किताबानी, किताबानी. तो किताबानी में मरफू की अलामत क्या है, अलिफ है. तो अगर किताब किताबानी में फी लग जाए, हाँ फी लग जाए, दो किताबों में ऐसा कहना है, फी लग जाए किताबानी में, तो किताबानी तो फिर मजरूर हो जाएगा. ठीक है, तो किताबानी अभी तो मरफू है, जब ये मजरूर होगा, फी का इम्पैक्ट, फी का असर होगा इस पर, ठीक है ना, जब फी का असर होगा तो मरफू का साइन क्या है, अलिफ है. तो अब मजरूर कैसे होगा ये, ठीक है, ये सवाल पैदा होगा आपके दिमाग में, लेकिन अभी फिलहाल जो है साउंड मंसूबा और मजरूर दोनों में आईनी साउंड आएगा, आईनी किताब आईनी. अभी जो है आपके किताबों में ये मजरूर नहीं बताया गया है, ठीक है ना, तो अभी फिलहाल आपके किताब में मजरूर नहीं आया है, तो जब ये मजरूर आएगा तब इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे. फिलहाल आप इतना जान के रखिए, किताबानी ये मरफू है, लेकिन फी लग जाएगा, अगर अगर फी लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, किताबैनी, ठीक है, किताबैनी, ये फी लगने से क्या हो जाएगा, ये किताबैनी. यानी कि अब अलामत क्या है, साइन क्या है मरफू का, मरफू का मजरूर का साइन क्या है, अब मजरूर का साइन क्या हो गया, अलिफ था पहले साइन ऑफ मजरूर, ठीक है ना, या मजरूर की अलामत है, किताबानी किताबैनी. तो सिंगुलर में क्या था ये लफ्ज, किताबुन मरफू है और मंसूब भी नहीं कर रहे, किताबिन मजरूर है, ये सिंगुलर था किताब का, लेकिन जब ये किताब उन डुअल बनता है मुसन्ना, तो किताब बानी हो जाता है मरफू में, और मजरूर में क्या हो जाता है, ये किताबैनी, किताबैनी. अच्छा, वालिद लफ्ज है, क्या है, वालिद, वालिद मतलब क्या होता है, वालिद मतलब वालिदुन, पेरेंट्स, वालिद माने वालिद, फादर, वालिद मतलब बाप, फादर, वालिद, ठीक है, वालिद माने हो गया क्या, बाप, फादर, नॉट पेरेंट्स, वालिद, ठीक है. अच्छा, वालिद को मुसन्ना बनाना है, मुसन्ना, ड्यूअल क्या हो जाएगा, वालिद का ड्यूअल क्या होगा, वालिदानी, यस, क्या हो जाएगा ये, वालिदानी, वालिदानी. अब वालिदानी का अब मीनिंग क्या हो जाएगा, अब मीनिंग हो जाएगा क्या, टू फादर्स, अब क्या मीनिंग होगा वालिदानी का, पेरेंट्स, पेरेंट्स मीनिंग हो जाएगा, जैसे अबवानी का मीनिंग था, ठीक है, तो कुरान में अबवानी भी है और वालिदानी भी है, तो दोनों का मीनिंग पेरेंट्स है. तो वालिदानी, वालिदानी मरफू है या मजरूर है, क्या है, वालिदानी, वालिदानी मरफू है, मजरूर क्या होगा वालिदानी का, वालिदैन इस्तेमाल करते हैं ना उर्दू में भी हम लोग, वालिदैन, असल में वाली लाम पर कसा है, उर्दू में वालिदैन ऐसे कर देते हैं, तो वालिदैनी जो इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, ये क्या है, ये कसरा, ये मजरूर है, वालिदैनी, वालिदानी, वालिदैनी, वालिदानी, वालिदैनी, किताबानी, किताबैनी, तो वालिदैनी क्या हो गया, ये मजरूर है, ठीक है, ये क्या है, मजरूर है, वालिदैनी. और मजरूर की अलामत क्या है, या, कब वालिदानी होगा, कब वालिदैनी होगा, जब मुब्तदा होगा तो वालिदानी होगा, माने जब मरफू होगा तो वालिदानी होगा, अगर वालिदानी में फी लग जाए, मिन लग जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वालिदैनी हो जाएगा, बस यही है. इंशाल्लाह सब करें, पढ़ाने की बात नहीं, अगर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो करेंगे, थोड़ा ज्यादा एडवांस. सूरह रहमान में तो बहुत ड्यूअल है, थोड़ा भी कोई पढ़ता हो डेली तो उसको समझ में आएगा, बहुत अच्छा है, सूरह रहमान में बहुत सारे ड्यूअल आपको नजर आएंगे, जन्नत, ठीक है, जन्नतानी, ठीक है, जन्नतानी, तो बहुत अच्छा रहमान, हाँ हाँ, ये मिसालें मिलेंगी आपको, ठीक है ना, सूरह रहमान अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारे फॉर्म्स आपको मिल जाएगा ड्यूअल का. अच्छा, बहुत ज्यादा टाइम इसी में चला गया, 15 मिनट आपको बोले थे, तो अच्छा, उसके बाद देखिए क्या है, फी हाजल हय्य, हल हय्यू था, अल हय्यू से क्या, अल हय्य हो गया, क्यों, क्योंकि हाजा मजरूर है, अल हय्य बदल है,
फी हाजल हई, हल हई माने होता है मोहल्ला, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट या इलाका, मोहल्ला, ठीक है। फी हाजल हई, इस मोहल्ले में, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस इलाके में क्या है, मदरसतानी, दो स्कूल है, मदरसे हैं। इजी, अच्छा ये अच्छा सेंटेंस है ये सेंटेंस, ठीक है, इसको पढ़ना है और तर्जमा करना है, ठीक है, पढ़ना है और क्या करना है, तर्जमा करना है इसका। कैसे पढ़ेंगे इसको? सलातुल फजरी रकअतानी, सलातुल फजरी रकअतानी, बहुत अच्छा, सलातुल फजरी रकअतानी, तर्जमा कर दीजिए इसका। फजर की नमाज में दो रकातें होती हैं। हाँ, फजर की नमाज दो रकत है, बस फजर की नमाज दो रकत है, ठीक है। सलातुल फजरी इज टू यूनिट्स, इज टू रकअत, रकआस, ठीक है। फजर की नमाज में दो रकत, में भी कह सकते हैं, यहाँ पे तो में नहीं आया तो ऐसे कहिए, फजर की नमाज दो रकत होती है, ठीक है, या फजर की नमाज में दो रकत भी कह सकते, चली में समझाने के लिए। सलातुल फजरी रकअतानी, ठीक है। सलातुल फजरी ये क्या है, कैसा ग्रामर का स्ट्रक्चर, मुदाफ मुदाफिले, बहुत अच्छा। जितने भी नमाज के नाम है ना, सलातुल फजरी, सलातुल ज़ुहरी, ये सब मुदाफ और मुदाफ इलैह है। सलात फजर की नमाज, ज़ुहर की नमाज, इस तरीके से सलातुल फजरी मुदाफ मुदाफ इलैह। और सलातु क्या है, मुब्तदा है, सलातु क्या है, ये लफ्ज मुब्तदा है, फजरी और मुदाफ भी, अल फजरी मुदाफ इलैह। रकअतानी फिर क्या है, जब सलातु मुब्तदा है तो रकअतानी क्या हो गया, फिर खबर हो गया, खबर हो गया, बहुत अच्छा, खबर हो गया, रक आतानी ये खबर हो गया, ठीक है, ये खबर हो गया, रक आतानी खबर है, सलातुल फजरी रक आतानी इस टू यूनिट्स, ठीक है, सलातुल फजरी रक आतानी दो यूनिट है, रक आतानी, ठीक है। ये मरफू है, खबर मरफू, खबर मरफू होता है ना, एक वर्ड होने से तो मरफू है, अलिफ अलामत है मरफू की, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी फटाफट जल्दी कर लेते, लिल बैती, लिल बैती इज, लिल बैती मैंने घर की है, घर की है, लिल बैती मतलब वो कहता है फॉर द हाउस, ठीक है, लिल लिल बैती यानी कि घर की है, मिफ्ताहानी घर की है दो चाबियां, घर की हैं दो चाबियां, यानी इंग्लिश में कहेंगे देर इज, देर आर टू कीज फॉर दिस ऑफ दिस हाउस, या ऑफ दिस हाउस, हाँ देर आर क्यू, देर आर टू कीज ऑफ दिस हाउस, लिल बैती, या फिर दिस हाउस, दिस हाउस इंग्लिश में दिस नहीं कहेंगे, फॉर द हाउस, इस तरीके से, ठीक है। द हाउस हैज टू कीज, ऐसे भी कह सकते हैं, द हाउस हैज टू कीज, समझाने, देखिए बार बार हर जमा जो है ना लिटरल वर्ड टू वर्ड नहीं होता, कभी कभी तर्जमा करने से आपको वर्ड अलग 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 तर्जमा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो लिल बैती घर की है, फी मिफ्ताहानी दो चाबियां, ठीक है। लिमन किसकी है, हातानिल बकरतानी किसकी है, ये दो गाय, टू काउज, ठीक है। हुज आर दीज टू काउज, बकरतुन, बकरतुन माने गाय, बकरतानी दो गाय, गाय मुअन्नस है तो हाजी ही होगा, हाजी ही का मुसन्ना क्या है, हातानी, इसलिए हातानी आ गया। लिमन किसकी है, हातानिल बकरतानी किसकी है, ये दो गाय किसकी है, आ रहा जवाब, हुमा, हुमा ये प्रोनाउन है, हुमा माने दो, दोनों, दे ये प्रोनाउन है, हुमा लिल फल्लाही, वो किसान की है, यानी कि वो दोनों किसान की है, हुमा मुब्तदा, लिल फल्लाही खबर, जार मजरूर खबर, लिल फल्लाही, ठीक है, लिल फल्लाही। इसके बाद आहादानी, आ क्या आहादानी तबीबानी, ठीक है, क्या ये दोनों, क्या ये दोनों डॉक्टर्स, आर दीज टू डॉक्टर्स, हाजान तबीबान, ये डॉक्टर, ये दो डॉक्टर हैं, या ये दो डॉक्टर्स, अहाजान तबीबान, क्या ये दोनों डॉक्टर्स, मिन इनकलतर्रा, इनकलतर्रा इन इंग्लैंड, क्या ये दोनों डॉक्टर्स इंग्लैंड से है, जवाब आता ला नहीं, हुमा मिन फरंसा, ये दोनों फ्रांस से हैं, हुमा मिन फरंसा, ये दोनों फ्रांस से हैं, फरंसा मिन है, फरंसा जो है वो वैसे ही रहा, ये मबनी, मबनी इसको समझिए, फिक्स समझिए इसको, ठीक है, अलिफ पे एंड हो रहा है ना ये, तो ये तो अलिफ पे तो कुछ हरकत आ नहीं सकता, दम्मा आ सकता है, कसरा आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता, तो उसको फिक्स मान के चलिए अभी इन्फरेंस है, ठीक है ना। तो ये हो गया, फी करियती,
फी करियती, कितने लफ्ज है, फी कितने अल्फाज है, फी करियती हाउ मेनी वर्ड्स, फी करियती कितने वर्ड्स है, फोर है, फोर श्योर, थ्री नहीं सर थ्री है, थ्री हाँ थ्री है ना, थ्री वर्ड्स, फी करियती, फी हो गया क्या हर्फ जर, उसके बाद करियती ये हो गया गांव मुदाफ, और फिर यह हो गया मुदाफ अली, करियती मुदाफ मुदाफ अली, फी करियती मेरे गांव में, इन माई विलेज कितने अल्फाज है, तीन, करियती इस तरीके से ठीक है, करियती इन माई मेरे गांव में, यानी मेरे गांव में है मस्जिदानी सगीरानी, तो ये हो गया क्या खबर जार मजरूर, मस्जिदानी सगीरानी, मस्जिदानी हो गया क्या ये मुब्तदा, इन माई विलेज देर आर टू मस्जिद ठीक है, टू देर आर टू स्मॉल मस्जिद ठीक है, मस्जिदानी सगीरानी ये मुब्तदा हो गया, और ये क्या हो गया खबर हो गया ठीक है, तो ये आप लोग घर में इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ये जो सेन मश्क ये गुजरा है, और ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा इसको, अगर आप लोग लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये दूसरा मश्क आप देख रहे हैं ना इसको लिख लेंगे, जैसे लिखा हुआ इकरा वक्त मैंने रीड एंड राइट, इसको अगर आप लोग लिख लेंगे हरकात पूरा हरकात लगा करके ठीक है, और ट्रांसलेट करेंगे एटलीस्ट लिखे ट्रांसलेशन लिख ले तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम दिमागों में अपने दिमाग में अपने जहन में ट्रांसलेट करें क्या ट्रांसलेशन इसका है ठीक है, और ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसमें क्या करना है आपको बस इकरा इल मिसाल लाती है, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल, आने वाले ये मिसालों को पढ़िए, तुम उसके बाद पुट रखिए फिल फरागी इन द ब्लैंक फीमा यली जो भी आ रहा है तमयीजन लिकम ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे जो मतलब आपको क्या करना है, कम के बाद वाला वर्ड जो है ये नहीं दिया हुआ है, तो कम के बाद वाला वर्ड, कम के बाद क्या आता है, कम के बाद ऐसा इसम आता है जो क्या होता है मंसूब होता है नकेरा होता है, और क्या होता है एक और चीज बच गया मंसूब नकेरा और क्या होता है मुफरद होता है, तो कम के बाद आपको हमेशा ऐसा इसम नजर आएगा मंसूब नकेरा मुफरद, अच्छा कितने बार कहेंगे भाई मंसूब नकेरा मुफरद मंसूब नकेरा मुफरत, तो मंसूब नकेरा मुफरत के लिए एक शॉर्ट में आप क्या कह सकते हैं कि ऐसा इसम जो मंसूब हो नकेरा हो मुफरत हो ठीक है, यानी ऐसा इसम जो वजाहत करता है कम को एक्सप्लेन करता है क्लैरिफाई करता है उसको अरबी में क्या कहते हैं, उसको अरबी में क्या कहते हैं मंसूब, क्या कहते हैं इसको तमयीज ठीक है, तमयीज ठीक है, तो तमयीज कहते हैं, यानी कि कम के बाद जो इसम आता है और वो इसम क्या होता है नंबर वन मंसूब होता है नंबर टू नकेरा होता है नंबर थ्री मुफरद होता है, तो ऐसे इसम को क्या कहते हैं, ऐसे इसम को तमयीज कहते हैं ठीक है, अरबी क्या नाम है इसका तमयीज, तो कम के बाद जो वर्ड आता है क्या कहते हैं इसको तमयीज, यानी कि वो जो इसम कम के बाद आता है ना जो एक्सप्लेन करता है वजाहत करता है कम क्या हाउ मेनी वर्ड कितना क्या उसको तमयीज कहते हैं ठीक है, तमयीज या ये तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे कसरा तमयीज ठीक है, तमीज तमीज तमयीज ठीक है, तो आपको क्या करना है देखिए लिखा हो अभी तमयीज इसमें एक्सरसाइज में क्या करना है आपको तमीज बैठाना है, पुट द तमीज फिल इन द ब्लैंक्स विद द तमीज विद द अप्रोप्रिएट तमीज ठीक है, आपको तमीज बैठाना है कम के बाद में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ कम उख्तन लका कम कलमन इंदका कम सयारतन फिल जामियाती कितने गाड़ियां हैं जामिया यूनिवर्सिटी में, इस तरीके से, तो ये आप लोग कर लेंगे ना बहुत सिंपल है ठीक है, आपको क्या करना है कम के बाद में आपको बैठाना है यहाँ पे कम इंदका कितनी कितनी क्या कितनी इंदका तुम्हारे पास, यहाँ पे कुछ भी एक वर्ड बैठाइए जो क्या होना चाहिए मंसूब हो नकेरा हो और मुफरद हो, क्या कहते हैं इसको तमयीज कहते हैं, कम के बाद वर्ड को तमयीज कहते हैं, आपसे तमयीज कहेंगे इसको ठीक है, कम के बाद तो तमयीज बैठाना कम इंदा का कितनी तुम्हारे पास है कितनी क्या लका कलमन हो सकता है किताबन हो सकता है, हाँ किताबन बहुत सारे, अब यहाँ पर लका है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए चीज होना चाहिए क्या यहाँ पे कुछ क्या होना चाहिए रिलेशन अखन अखन हो सकता है अखन बहुत अच्छा अखन उख्तन ठीक है अमन, लेकिन जो भी आएगा तमीज लाना होगा यानी कि मंसूब नकेरा मुफरद होगा ठीक है, इस तरीके से क्या आपको पूरा बैठाना है कम फी हाजा शारई इस शारे जो शारे मतलब क्या होता है रास्ते, अच्छा ये वर्ड शारे ऊपर आया था ना उसका
ट्रांसलेशन नहीं किया शायद हम। शारे मतलब होता है रास्ते में, शारे माने स्ट्रीट, हाँ ऊपर एक वर्ड गुजरा था शारे। तरीक को भी क्या रास्ता कहते हैं, ठीक है तरीकुन, और शारे मतलब भी क्या होता है शारे, ये भी रास्ता होता है शारे उन, तरीकुन, स्ट्रीट, रोड, स्ट्रीट, शारे माने स्ट्रीट। तो फी हाजा शारे, कितने इस स्ट्रीट में, कितनी क्या है, कितने स्कूल हैं, कितने मदर, कितने यूनिवर्सिटी हैं, कितने मस्जिदें हैं, होटल ठीक है, है हाँ फोन दुकान भी हो सकता है, दुकान बोला, होटल। कितने होटल्स हैं इसमें, ये आप लिखना है ठीक है ना। फी करियती का, तुम्हारे गांव में कितने हैं, कितने क्या, ये भरना है। फी फसलिकुम, तुम्हारे क्लास में कितने, कितने क्या, कितने टेबल, कितने हाँ कितने कलम, ठीक है। फिस सनती, साल में कितनी, फिस सनत, ठीक है इस तरीके से। ईरन ईरन लिदराजती, साइकिल के कितने पहिए, चक्के, व्हील्स हैं, लिद व्हील लिखना पड़ेगा। लिदराजती कि साइकिल के कितने क्या है। फी गुरफती का, तुम्हारे कमरे में, फी गुरफती का, इन योर रूम, कितने क्या है, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है आपको करना है, ये आपको क्या करना है, ये ऊपर में एक सेंटेंस आया था शारे, उसको शायद तर्जमा हम करने भूल गए पढ़ाते पढ़ाते, शायद कहाँ गया वो, कितने नंबर में था शारे, आया था ना ऊपर में कहीं पर, फिहाज शारे, हाँ ये, हाँ ये वाला। कम फुंदुकन, कितने होटल्स हैं इस स्ट्रीट में, हाउ मेनी होटल्स आर देयर इन दिस स्ट्रीट। देखो शारे मतलब क्या होता है, स्ट्रीट, ठीक है। और इसके बाद बचा मश्क, ये तुम लोग पहले ही कर चुके हैं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मश्क है आपका 4 नंबर, ये पहले हम लोग कर चुके हैं, जो होमवर्क में आपको ये दिया गया था, ठीक है। ये मश्क तो ये पहले कर चुके हैं, इसको आप करना नहीं, जो नहीं किया होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। और 5 नंबर मश्क भी क्या है, सिंपल है, क्या करना है आपको इसमें, बस आपको हरकात लगाना है, बस क्या करना आपको, हरकात लगाना है, सही सही हरकत, इसमें लिखा हुआ आखिरी हरकत सही लगाना, कलबानी, मकतबानी, लेकिन पूरा हरकत आप देंगे होमवर्क में, क्या लिखेंगे, वावलाइज, पूरा वावलाइज करेंगे इसको, कलबानी, मकतबानी, इस तरीके से, ठीक है। और ट्रांसलेशन क्लियर होना चाहिए आपको, उसमें हरकत लगाना है आपको, ठीक है। इमरातुन, ठीक है, इमरातानी, ये क्या है, ये क्या है, ये किसका डुअल है, मीनिंग क्या है इसका, इमरातान, इमरतुन इमरतुन औरत का ड्यूएल है। टू हाँ वुमेन, ठीक है वुमेन, ठीक है औरत, इमरातुन, ठीक है इमरातुन, इमरातुन औरत, ठीक है एक औरत, और इसका जमा क्या, मुसन्ना क्या होगा, इमरातानी, इमरातानी, दो औरत, इमरातुन, इमरातानी, इमरातुन। कहीं पर कुरान में कोई सूरह में याद आ रहा है आपको, हाँ, सूरत अब में आता है। वम्रातु हम्मालत हाँ अलहतब। वम्रातुहु, ठीक है कुरान में क्या आता है, इम्रातुहु, उसकी औरत यानी उसकी बीवी, ये इम्रा बीवी के माने में भी आता है, ठीक है ना। इम्रातुन माने वुमन भी होता है और वाइफ भी हो सकता है, कुरान में क्या है, वम्रातु, वम्रातुहु, वाव आ गया कुरान में। तो ये इम्रा का हमजा जो है ये वसल है, पढ़ा नहीं जाएगा, अगर शुरू में आएगा तो पढ़ेंगे, बीच में आएगा तो नहीं पढ़ेंगे। तो कुरान में क्या, वम रा तुहु, वम रा तुहु, और उसकी औरत, हु से मुराद क्या, अबू लहब, और अबू लहब, अबू लहब की बीवी, वम रा तु हम्मालत अल-हतब, ठीक है। बाकी तर्जमा आप देख सकते हैं कुरान में, तो इस तरीके से आया, ठीक है। और उसके बाद वाला मश्क बचा है, ये भी कर चुके हैं, नंबर 6, बस क्या करना है आपको, डुअल करना, आनी आनी लगाना, और कुछ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया है, इसमें क्या किया, नए लफ्ज हम लोग पढ़े हैं, अल कलिमातुल जदीदतु, अल कलिमातुल जदीदतु यानी कि न्यू वर्ड्स, अल कलिमातुल जदीदतु। कम हम लोग नया वर्ड पढ़े हैं, कम क्या है, हाउ मेनी, हाउ मच, ईद यानी कि फेस्टिवल के माने में ईद। अजलतुन, अलिफ लामगत अल अजलतु यानी कि व्हील, पहिया, चक्का, जमा क्या है, अजलातुन। रियालुन, जमा क्या है, रियालातुन। मिसफरतुन, मिसफरतुन, अलिफ लामत अल मिसफरतु, जमा क्या है, मसातिरु, मसातिरु, मस्जिदुन, मसाजिदु, उसके तरह जमा है, ठीक है। तनवीन, ये जमा इस तरह का जमा का सीगा, मसातिरु, मदारिसु, मसाजिदु, तनवीन नहीं लेता है, ठीक है। अब एक सवाल कर रहे हैं आप लोगों से, क्या सवाल कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट चैप्टर तो खत्म हो गया है,
अल कलिमातुल जदीदतु में, ठीक है, ये अल कलिमातु अल जदीदतु, ठीक है ना, इसका जवाब बताएंगे आप लोग क्या। अल जदीदतु जो है, अल जदीदातु क्यों नहीं है, अल कलिमातु अल जदीदातु, ये क्या, पहले बताइए कि अल कलिमातुल जदीदतु क्या चीज है, ये अल कलिमातुल जदीदत न्यू वर्ड्स, नात मनूत है, ठीक है, न्यू वर्ड ये नात मनूत है, ठीक है, नात मनूत है, ठीक है ना। हाँ, जवाब आपने दिया क्या है इसमें, अल कलिमातुल जदीदतु, लेकिन अल कलिमातुल जदीदातु नहीं है, सिफत जो आप देख रहे हैं, सिफत तो मैच करता है नात मनूत ना, नात मैच करता है किसको, कलिमात को, तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, मेल फीमेल के लिए कुछ कुछ वर्ड जो है वो प्लूरल में माने सेम है। हाँ, प्लूरल में, प्लूरल क्या है दोनों का, जुदुद, प्लूरल क्या है, प्लूरल जुदुदुन कॉमन है मेल के लिए फीमेल, लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है, यहाँ पे जदीदतु जुदुद क्यों नहीं आया फिर, अल कलिमातुल जुदुदु, अल कलिमातुल जुदुदु, नात मनूद है ना, अल कलिमातु अल जुदुदु, ठीक है, अल जुदुदु, ये क्यों नहीं आया, ये सवाल है, ठीक है, और कुछ आपने, ठीक है, ये क्यों नहीं आया, ये सवाल है, अल कलिमातु अल जुदुदु, जिसका जवाब जो है, जिसका जवाब कमेंट में आपने दिया है, बहुत अच्छा, बेहतरीन जवाब, गैर आकिल को फेमिनिन सिंगुलर समझते हैं, ठीक है, गैर आकिल को फेमिनिन सिंगुलर समझते हैं, क्योंकि अल कलिमात क्या जमा है ना, प्लूरल है, किसका जमा है, कलिमात, कलिमतुन का, वर्ड, कलिमा, कलिमा माने वर्ड, वर्ड्स, तो प्लूरल ये जमा है, जमा किसका, कलिमा गैर आकिल, गैर आकिल के जमा को क्या समझते हैं हम लोग, फेमिनिन समझते हैं, क्या समझते हैं, मुफरद समझते हैं और सिंगुलर समझते हैं और मुअन्नस समझते हैं, ठीक है ना, इस वजह से ये जदीदतु आया है, जुदुद नहीं आया, जुदुदु नहीं आया, अगर ये कोई आकिल होता तो जुदुद आ जाता, ठीक है ना, अब तो लाब होता अलजुदुदु हो जाए, अब तो लाबुल जुदुदु, ठीक है ना, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोग से माजरा चाहते हैं हम, क्या कि 15 मिनट बोले थे और हम तकरीबन ले चुके हैं 33 मिनट्स मेरे ख्याल, ठीक है, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, जो इतना वक्त ले लिए हैं, और माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम लोग को अरबी सीखना और सिखाना आसान कर, अल्लाह हमारी गुनाह मग़फ़रत करे, आमीन या रब्बल आलमीन। जो भी सवाल होंगे आप लोग ग्रुप में कर लीजिएगा, ठीक है ना, हिचकिचाना नहीं है और शर्माना नहीं है, और होमवर्क ज़रूर कर लीजिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नंबर्स, हाउ टू काउंट इन अरबिक, नंबर्स इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, काउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना, और कुरान वाला क्लास अभी भी हमारा पेंडिंग है इंशाल्लाह, बहुत जल्द कुरान क्लास होगा, उसमें बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, उसको पढ़ने में बहुत सारी मिसालें इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, ठीक है ना, बारकल्लाहु फीकुम, सुभानकल्लाहुम्मा बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।